नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में हूं राकेश। संपूर्ण भारत में लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसे में बिहार में भी लगातार लॉकडाउन चल रहा है। कई लोग बाहर नहीं निकल पा रहे तो कई जगहों पर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। जी हाँ, और ऐसी तस्वीर हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी मर्माहत हो पाएंगे। इसी चैम्बर में बैठकर बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल ऑल इज वेल बताने वाले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी और अधिकारी, आपको क्या इस बेबस मां की चित्कार सुनाई नहीं देगी? क्या आप भी कहेंगे ऑल इज वेल? और अब भी कहेंगे आज इस बेबस मां के जिगर का टुकड़ा आपके सिस्टम के आगे दम तोड़ दिया। लेकिन जरा सोचिए, मौत इस मासूम की हुई है या सिस्टम की? दरअसल यह मामला जुड़ा है बिहार के जहानाबाद से। दो दिन पहले ही आगाह भी किया गया था सोशल मीडिया के माध्यम से कि जिले के डॉक्टर मरीज को पटना रेफर करें, किसी भी बीमारी को लेकर इलाज नहीं करें। जहानाबाद में भी वही हुआ। अरवल जिले के कुर्ता थाना क्षेत्र के लाड़ो साहोपुर गांव में एक बच्चे की तबीयत अचानक खराब हुई थी, जिसके बाद परिजनों ने कुर्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए जहानाबाद रेफर कर दिया। परिजन किसी तरह ऑटो से सवार होकर उसे इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल आए, जहां डॉक्टरों ने बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया। लेकिन मरीज के परिजन एम्बुलेंस के लिए लगभग 2 घंटे तक इधर से उधर भटकते रहे, तब तक उस बच्चे की मौत हो गई। सिस्टम का नकारापन देखिए, मासूम की मौत के बाद भी उसे एम्बुलेंस तक नहीं मिली और मासूम की लाश को गोद में लिए बिलखती माँ 25 किलोमीटर दूर अपने गांव के लिए पैदल ही निकल पड़ी। हालांकि थोड़ी दूर पर मामले की जानकारी मिलते एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अपनी गाड़ी से उन्हें उनके गांव तक पहुंचाया। अभी भी वक्त है, हालात को संभालिए सरकार। जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे उतने लोग छोटी छोटी बीमारियों से और सिस्टम की लाचारी से मर जाएंगे। जो कोरोना से बचे हैं वो भूख से मरेंगे और जो भूख से बच गए वो बीमारी से मर जाएंगे। इसलिए कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इन सब के बीच बिहार सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को उन तमाम लोगों के लिए वो व्यवस्था करनी होगी, मुकम्मल व्यवस्था करनी होगी, ताकि छोटी से छोटी बीमारियां भी उन्हें परेशानी का सबब ना बने और छोटी से छोटी बीमारियों का भी इलाज किया जा सके। इस माँ की तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं और माँ की चित्कार को आप सुन रहे हैं, इसलिए बिहार सरकार से लगातार नेशन भारत भी अपील करता है कि इस तरह की परिस्थिति दोबारा ना बने। इसलिए स्वास्थ्य महकमा अपना पुरजोर तरीके से कोशिश करे ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल की जाए, वैसे गरीब तबके के लोगों के बीच और वैसे तमाम लोगों के बीच जिन्हें जरूरी है, जिन्हें आवश्यक है। और नेशन भारत लगातार लोगों से ये अपील करता है कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना ना भूले, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। और एक दरख्वास्त सरकार से भी रहेगी कि लॉकडाउन के नियमों को पालन करते हुए अगर वाकई में जनता को परेशानी हो रही है, आम लोगों को परेशानी हो रही है, तो उनकी परेशानी को भी समझा जाए। जो भी व्यवस्था है, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हो या फिर किसी मसले से जुड़ा हो, उनका समाधान करने के लिए सरकार और उनके प्रशासनिक तंत्र भी लगातार उनकी सहायता करें। फिलहाल नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।